स्टूडेंट्स, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जीव क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि हाथी सबसे बड़ा जीव है। यह भी सच है, हाथी जो है वो ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन उससे भी बड़ा एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, व्हेल जो है वो सबसे बड़ा जीव है। एक व्हेल 30 हाथी के बराबर होता है, मतलब सबसे बड़ा जीव वही होता है जिसे ब्लू व्हेल कहा जाता है। तो इसके और कई गुण हैं, कई खासियत है इसमें, तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यह चैप्टर 15 और यह क्लास 5 का इंग्लिश बुक है और चैप्टर का नाम है द व्हेल। इसमें आप लोगों को कई सारी जानकारियां मिलेगी, आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी। व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जानवर है। द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड इज एनिमल। जमीन में सबसे बड़ा जानवर हाथी है। व्हेन एन एलिफेंट इज कंपेयर्ड टू ए व्हेल, इट इज़ ए टीनी क्रिएचर। जब एक हाथी की तुलना व्हेल से की जाए तो वह एक छोटा जीव लगता है, क्योंकि हाथी के मुकाबले व्हेल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हाथी उसके सामने बहुत छोटा लगता है। द लार्जेस्ट व्हेल इज कॉल्ड द ब्लू व्हेल। सबसे बड़े व्हेल को ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है, ब्लू व्हेल कहा जाता है। द ब्लू व्हेल ग्रोज अबाउट 100 feet लॉन्ग। ब्लू व्हेल लगभग 100 feet लंबी होती है। इट्स वेट इज़ मोर देन 120 tons। इसका वज़न 120 टन से अधिक होता है। द नॉर्मल वेट ऑफ एन एलिफेंट इज़ अबाउट 7 tons। एक हाथी का सामान्य वज़न लगभग 7 टन होता है। ए व्हेल कैन ईट 2 to 3 tons ऑफ फूड एट ए सिंगल मील। एक व्हेल एक ही बार के भोजन में 2 से 3 टन खाना खा सकता है। द ओशियन इज वास्ट। महासागर विशाल होता है। ऑल व्हेल्स डू नॉट ईट फिश। सभी व्हेल मछलियाँ नहीं खाती हैं। द ब्लू व्हेल इट्स प्लैंकटन। ब्लू व्हेल प्लैंकटन खाती है। प्लैंकटन कोई ऐसा चीज़ है जो समुद्र में पाया जाता है। प्लैंकटन इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ दैट स्प्रेड्स ओवर माइल्स एंड माइल्स ऑफ सी वाटर। प्लैंकटन समुद्री जैविक के रूप में होता है जो समुद्र में मीलों तक फैला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। द स्पर्म व्हेल इज स्मॉलर देन द ब्लू व्हेल। स्पर्म व्हेल ब्लू व्हेल से छोटी होती है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है इसका, स्पर्म व्हेल बोला जाता है जो ब्लू व्हेल से छोटा होता है। इट ग्रोज अप टू 60 feet। यह 60 feet तक बड़ा होता है। देर इज लार्ज स्पेस इन साइड इट्स स्कल। इसकी खोपड़ी के अंदर बड़ी जगह होती है। दिस स्पेस इज फिल्ड विथ ए क्लियर ऑयल कॉल्ड स्पर्म सेटी। यह जगह साफ तेल से भरा होता है जिसे स्पर्म सेटी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग कैंडल्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसका उपयोग मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। द स्पर्म व्हेल्स गेट देयर नेम फ्रॉम दिस स्पर्म सेटी। स्पर्म व्हेल अपना नाम इस स्पर्म सेटी से प्राप्त किए हुए हैं। द स्पर्म व्हेल इट्स स्क्विड्स। स्पर्म व्हेल स्क्विड्स खाते हैं। स्क्विड्स समुद्र में कुछ इस तरह का कुछ पाया जाता है, यह भी एक जीव है। स्क्विड्स आर अबाउट 30 feet लॉन्ग। स्क्विड्स लगभग 30 feet लंबा होता है। दे हैव वेरी लॉन्ग आर्म्स। उसकी भुजाएं बहुत लंबी होती है। व्हेन दे स्प्रेड देयर आर्म्स आउट दे आर अबाउट 50 feet लॉन्ग। जब वे अपनी बाहें फैलाते हैं तो लगभग 50 feet लंबे हो जाते हैं। द स्पर्म व्हेल इज़ ए वेरी पावरफुल डाइवर। स्पर्म व्हेल एक बहुत शक्तिशाली गोताखोर है। इट कैन डाइव 1500 feet डीप इन द सी। यह समुद्र में 1500 feet गहरा गोता लगा सकता है। द व्हेल हैज़ टू फाइट फियर्स बैटल विद द स्क्विड। व्हेल को स्क्विड के साथ भीषण लड़ाई करनी पड़ती है। समटाइम्स देयर बैटल गोज ऑन फॉर ए होल डे। कभी कभी उसकी लड़ाई पूरे दिन तक चलती रहती है। व्हेल्स वेयर ओरिजिनली लैंड एनिमल्स। व्हेल मूल रूप से भूमि के जानवर थे। लेटर ऑन दे लर्न टू लिव इन द सी। बाद में उन्होंने समुद्र में रहना सीख लिया। द व्हेल इज नॉट ए फिश। व्हेल मछली नहीं होती है, यह मछली की तरह नहीं है। इट गिव्स बर्थ टू
एंड स्कल देयर यंग एज डू ह्यूमन बींग्स काउ एंड एलिफेंट्स। यह मनुष्यों, गायों और हाथियों के जैसा अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे दूध पिलाती है। दे डू नॉट ले एग्स एज फिश बर्ड्स एंड स्नैक्स डू। वह मछलियों, पक्षियों और सांपों के जैसा अंडे नहीं देती। द न्यू बॉर्न इज अबाउट 7 meters लॉन्ग। नवजात शिशु लगभग 7 meters लंबा होता है। यह लगभग 5 to 7 tons वजन का होता है। ए बेबी वेल ड्रिंक्स अबाउट 225 liters ऑफ इट्स मदर्स मिल्क पर डे। एक शिशु वेल अपनी माँ का दूध रोजाना 225 liters पी जाता है। द मदर एंड द काफ स्टे टुगेदर फॉर ए ईयर और लॉन्गर। माँ और बच्चा एक साथ 1 साल या उससे अधिक साथ साथ रहते हैं। देर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मदर एंड अंग। माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन बना होता है। वेल्स आर वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर ब्रीथिंग। वेल सांस लेने के मामले में काफ़ी सचेत रहते हैं। दे डिसाइड वेन टू ब्रीथ। वे तय करते हैं कि कब उन्हें सांस लेना है। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। वे पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते। वेन दे वॉन्ट टू ब्रीथ दे कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। जब वे सांस लेना चाहते हैं तो वे पानी की सतह पर आ जाते हैं। दे ड्रॉ इन ए ब्रीथ एंड गो डाउन अगेन। वे एक सांस खींचते हैं और फिर पानी के नीचे चले जाते हैं। दे डू नॉट ब्रीथ एज मैनी टाइम्स एज वी डू। वे हमारी तरह कई बार सांस नहीं लेते। दे ब्रीथ इन सेवरल रूमफुल्स ऑफ एयर एट ए टाइम। वे एक सांस में कई कमरों के बराबर सांस खींच लेते हैं। दे कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर 2 hours। वे 2 घंटे के लिए अपनी सांस को रोक सकते हैं। वेल्स ऑल्सो स्लीप लाइक अदर मैमल्स। वेल इन स्तनधारियों की तरह ही सोते हैं। दे डू नॉट स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे लंबे समय तक नहीं सोते हैं। देयर लंग्स एंड स्टोमैक्स आर एज लार्ज एज द रूम्स इन आवर हाउसेज। उनके फेफड़े और पेट हमारे घरों के कमरों के बराबर होते हैं। इनफैक्ट ए मैन कैन वॉक इनसाइड ए वेल्स स्टोमैक। वास्तव में एक आदमी वेल के पेट के अंदर चल सकता है। द वेट ऑफ द ब्लू वेल्स टंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। ब्लू वेल की जीभ का वजन एक हाथी के वजन के बराबर होता है। इट्स हार्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ए कार। इसका हृदय का आकार एक कार के बराबर होता है। द मेल वेल हैज़ 2 teeth। नर वेल में 2 दांत होते हैं। दे ग्रो फ्रॉम 2 to 3 meters। वे 2 to 3 meters तक बड़े होते हैं। वेल्स लाइफ स्पैन इज 20 to 40 years। वेल का जीवन काल 20 to 40 साल तक होता है। सम वेल्स लिव अप टू 200 years। कुछ वेल 200 साल से भी अधिक जीवित रहते हैं। द साउंड ऑफ द वेल कैन बी हियर्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। वेल की आवाज़ 100 मील दूर से सुनाई पड़ जाती है। इट्स साउंड इज लाउडर देन ए जेट। इसकी आवाज़ एक जेट प्लेन से भी अधिक तेज होती है। द वेल ट्रेवल्स अबाउट 16,000 to 20,000 kilometers एवरी ईयर। वेल हर साल 16,000 to 20,000 kilometers की यात्रा तय करती है। सम वेल्स ट्रेवल ए डिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू द अर्थ टू द मून। कुछ वेल पृथ्वी से चांद तक के बराबर की दूरी तय करती है। एवरी ईयर दे ट्रेवल फ्रॉम कोल्ड वाटर टू वर्म वाटर। हर साल वे ठंडे पानी से गर्म पानी की ओर यात्रा करते हैं। दे ट्रेवल एलोन और इन ग्रुप्स। वे अकेले या समूहों में यात्रा करते हैं। मैन हंट वेल्स टू गेट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। लोग उसके शरीर के मूल्यवान उत्पादों को पाने के लिए वेल की शिकार करते हैं। ए काइंड ऑफ फैट कॉल्ड बल्बर इज प्रेजेंट अंडर ए वेल्स स्किन। बल्बर नामक एक तरह की वसा वेल के त्वचा के नीचे मौजूद रहता है। इट कीप्स द वेल वर्म इन कोल्ड वाटर ऑफ ओशियन। यह समुद्र के ठंडे पानी में वेल को गर्म रखता है। मैन गेट वेल ऑयल फ्रॉम दिस बल्बर। लोगों को
इस बल्बर से व्हेल तेल मिलता है। व्हेल ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉप एंड आर्टिफिशियल बटर। साबुन और कृत्रिम मक्खन बनाने के लिए व्हेल ऑयल का उपयोग किया जाता है। द मीट एंड बोन ऑफ व्हेल्स आर ऑल्सो सोल्ड। व्हेल की मांस और हड्डियाँ भी बेची जाती है। मैन गेट एम्बर ग्रीस फ्रॉम द व्हेल्स स्टोमैक। लोगों को व्हेल के पेट से एम्बर ग्रीस मिलता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम्स। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र मतलब परफ्यूम, सेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये पिक्चर में लोग व्हेल का शिकार कर रहे हैं। इन पास्ट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हंट व्हेल्स। अतीत में व्हेल का शिकार करना बहुत ही मुश्किल था। पुराने समय में व्हेल को मारना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि काफ़ी बड़ा होता था। द हंटर्स यूज्ड स्पीयर्स कॉल्ड हार्पून्स। शिकारी हार्पून नामक भाले का उपयोग करते थे। दे हिट द हार्पून एट द हेड ऑफ द व्हेल विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। वे अपनी पूरी ताकत से व्हेल के सिर पर हार्पून से वार करते थे। व्हेन द व्हेल वॉज डेड दे पिक्ड अप द व्हेल ऑन देयर शिप। जब व्हेल मर जाता था तो वे उसे अपने जहाज में रख लेते थे। मॉडर्न हंटर्स यूज मोटर बोट्स फिटेड विथ हार्पून गन। आधुनिक शिकारी हार्पून गन लगे हुए मोटर बोट का उपयोग करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ व्हेल्स आर किल्ड एवरी ईयर। हर साल बड़ी संख्या में व्हेल मारे जाते हैं। सम ईयर्स एगो द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एग्रीड टू कंट्रोल द किलिंग ऑफ व्हेल्स। कुछ साल पहले दुनिया के कई देश व्हेल की हत्या को नियंत्रित करने के लिए सहमत हुए थे। हंटर्स आर अलाउड टू किल ओनली ए सर्टेन नंबर ऑफ व्हेल्स ईच ईयर। शिकारी को हर साल केवल एक निश्चित संख्या में व्हेल को मारने की अनुमति दी गई थी। नो वन वांट्स दैट द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ शुड डिसअपियर। कोई भी नहीं चाहता कि पृथ्वी से सबसे बड़ा जानवर गायब हो जाए। आइए देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये वर्ड्स दिया हुआ है, न्यू वर्ड्स, इसको पढ़कर आप लोगों को याद कर लेना है। और इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर दिस क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है जिसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें चूज करना है कि कौन सा सही है, और इसके आगे भी दिया हुआ है। ये बचा हुआ क्वेश्चन थ्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फोर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जो यहाँ पे वर्ड्स पहले से जो दिया हुआ है इसको चुन करके भरना है सही जगह में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इस सेंटेंस को, इसका वर्ड इधर उधर करके लिखा गया है, इसको सही से उसको अपने जगह पे सूटेबल तरीके से एक सेंटेंस बनाना है, रीअरेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है, इसमें जेंडर, अपोजिट जेंडर को लिखने के लिए कहा गया है, मैस्कुलिन टू फेमिनाइन इस तरह से हो गया, या फेमिनाइन टू मैस्कुलिन। और क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें मैच द अपोजिट वर्ड्स, यहाँ भी अपोजिट वर्ड्स दिया हुआ है जिसको मैच करना है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ। ये चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर है। आंसर दिस क्वेश्चंस, व्हाट डज द ब्लू व्हेल ईट। ब्लू व्हेल इट्स प्लैंकटन। हाउ डिड द स्पर्म व्हेल्स गेट देयर नेम। द स्कल ऑफ स्पर्म व्हेल इज फिल्ड विथ क्लियर ऑयल कॉल्ड स्पर्म सिटी। They got their name from this sperm city. How much milk does a baby whale drink daily? A baby whale drinks about 225 liters milk daily. How do the whales breathe? When they want to breathe, they come up to the surface of water. Why do men hunt the whale? Men hunt whales to get valuable products of their bodies. Why is it easy to hunt whales these days? Modern hunters use motorboats filled with harpoon guns. It is easier than before. Question number 2 में true false दिया गया है, जो यहाँ पे इसका direct answer दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने book में true false लगा सकते हैं। Question number 3 में choose the correct option, इसका भी answer दिया हुआ है direct यहाँ पे, जैसे कि A का 1, B का 1, और इस तरह से आप अपने book में टिक लगा सकते हैं। Question number 4, इसमें गिवेन वर्ड्स को देखकर उसमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रीअरेंज करने के लिए कहा गया है, उसमें सेंटेंस को, उसके वर्ड्स को इधर उधर लिखा हुआ है जो कि उसको सूटेबल करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अपोजिट जेंडर बताना है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, इस तरह से बतलाना है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, इसको देखकर आप अपने बुक में इसको मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।